जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो सफलता में रोड़ा अटकाती है या सफलता में रुकावटें पैदा करती हैं। हर व्यक्ति के पास एक अद्भुत ज्ञान होता है, एक अलग ज्ञान होता है, एक अपनी रुचि होती है जिस पर वो काम करना चाहता है और काम करता भी है और सफल भी होता है। लेकिन तकलीफें वहाँ बढ़ जाती है, सबसे पहली बात कि हमारा अंदर जो टैलेंट है, जो हम अच्छे से कर सकते हैं, उसका हमें ज्ञान न होना एक बहुत बड़ी कमी है, जो सबसे पहला रोड़ा है। दूसरी बात है, हम खुद को कमज़ोर समझते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, अन्य के मुकाबले हम पीछे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के दौर में युवाओं की है। तो ये समस्याओं को आप निकाल दें, आप वो सभी चीज़ें कर सकते हैं जो कोई भी कर सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तीसरी बात है तुलना। एक बात ये हमेशा याद रखना कि आप जैसा इस दुनिया में ना तो कोई है ना होगा। आप जो तुलना कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति से बार बार, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहेगी। तो इस विषय का भी आपको बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात है कि सपने देखना चाहिए, लेकिन सपने बड़े देखे, असंभव देखे। इन सभी विचारों को मैं हमेशा तवज्जो देता हूँ और इनका सम्मान करता हूँ। लेकिन सिर्फ सपने देखना अच्छी बात नहीं है, उन सपनों को साकार करने के लिए काम भी करना होगा। तो जब तक हम उन सपनों को साकार करने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक वो सफल नहीं होंगे। चौथी पाँचवीं बात सबसे महत्वपूर्ण है, ज्ञान सभी प्रकार का होता है, सब ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन उस ज्ञान को हम इम्प्लीमेंट करें, उस ज्ञान का सही उपयोग करें, तो ही वो बेहतर होगा। हर सफल व्यक्ति ने एक बात, एक कोट जरूर कहा है कि हर सफल व्यक्ति सकारात्मक होता है, पॉजिटिविटी होती है। मतलब कुल मिलाकर ये बात तो बाहर आती है कि अगर आपको बड़ा किसी भी विषय पर सफल होना है, तो आपको उसके प्रति पॉजिटिव होना पड़ेगा। चाहे लाख असफल हुए आप, हज़ारों बार असफल हो, लेकिन आपको उस काम के प्रति सकारात्मकता रखनी होगी। वही आपको जिंदा रखे हैं, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। हमेशा ईश्वर का स्मरण भी करते रहें, क्योंकि देखिए वो कृपालु है, वो सबसे बड़ा दाता है, उसके बराबर कोई दाता नहीं है। तो हमेशा उसका नाम भी लेते रहे ईश्वर का, क्योंकि वो जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। कर्म हमारे हाथ में, फल देना उसके हाथ में, इसलिए कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा ले और इस बात को हमेशा आत्मसार कर ले। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत से लोग केवल ये बात कहते हैं, बहुत से लोग इसे सुनते हैं, लेकिन अपनाना कोई नहीं चाहता। एक बार सिर्फ इस बात को अपना लो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फिर देखो दोस्तों आपके सामने रिजल्ट देखिए, आप बहुत अद्भुत रिजल्ट होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो इसी तरह के रोचक वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स में अपनी राय खुलकर लिखेंगे, जो भी आपके मन में हो वो लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। जय श्री।